हेलो दोस्तों, प्रेग्नेंट महिलाएं हमेशा ये सोचती हैं कि उनका शिशु गोरा हो, बुद्धिमान हो, सुंदर हो। पर क्या गोरा शिशु ऐसा हो सकता है, संभव हो सकता है? मैं तो कहूंगी जी हाँ, हो सकता है। जैसा आपका रंग है उससे बेहतर रंग आपके शिशु का हो सकता है। पर इसके लिए आपको गर्भधारण के बाद से ही उपाय करने पड़ेंगे। गोरा शिशु पैदा होगी सिर्फ आपके गर्भावस्था के दौरान खान पान पर और मेडिकल चेकअप पे निर्भर करता है। मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि गर्भधारण के तीसरे महीने के बाद आपको अपने खान पान को कैसे करना पड़ेगा, यानी कैसे बेहतर रखना पड़ेगा, डॉक्टर से कैसे संपर्क रखना पड़ेगा ताकि आने वाला शिशु आपका गोरा हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी कि क्या खाने से शिशु गोरा पैदा होता है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान नारियल का नियमित सेवन करने से आपको और आपके शिशु को जरूरी मिनरल्स मिलेंगे, जिससे शिशु का रंग गोरा होने में मदद मिलेगी। आप चाहें तो कच्चा नारियल खा सकती हैं, नारियल का पानी पी सकती हैं, पर ध्यान रहे नारियल ज़्यादा नहीं खाएं। सूखा नारियल खाने से अवॉइड करें। जब आपको कच्चा नारियल नहीं मिले तो सूखा नारियल इस्तेमाल कर सकती हैं, कम मात्रा में सूखा नारियल खाएं। अगर नारियल पानी उपलब्ध है तो इसका खूब सेवन करें। उसके बाद सौंफ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रेगनेंसी के दौरान महिला की पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं, साथ ही इसमें त्वचा को गोरा बनाने के भी गुण होते हैं। यदि प्रेग्नेंट महिला खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन करती है तो उनका आने वाला शिशु गोरा और उनका रंग साफ होता है। उसके बाद दूध और केसर। प्रेगनेंसी के दौरान दूध का भरपूर सेवन करना चाहिए। इससे आपको फिट रहने के साथ साथ शिशु के बेहतर विकास में भी मदद मिलती है। इसके अलावा अगर आप दूध में केसर के 5 रेशे मिलाकर पीती हैं तो शिशु का रंग साफ होगा। अब बारी आती है अनार की। अनार का सेवन करने से प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में ब्लड की मात्रा को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे शिशु में भी रक्त की मात्रा पर्याप्त होती है और ऐसा करने से शिशु की रंगत में भी निखार आता है, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु की खूबसूरती को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो आप गर्भावस्था के दौरान अनार का सेवन जरूर करें। आप अनार का भी जूस रोजाना पी सकते हैं। ये आपके बॉडी को भी हेल्दी रखेगा और गर्भावस्था के दौरान होने वाली परेशानियों से भी बचाएगा और शिशु का रंग भी साफ करेगा। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स। गर्भावस्था के दौरान बादाम का सेवन जरूर करें, पर उसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, मात्रा में ही खाएं, लिमिट में ही खाएं। बादाम का सेवन 3rd महीने के बाद करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप बादाम और दूध का सेवन करती हैं तो आने वाला शिशु गोरा पैदा। नारियल पानी का सेवन रोजाना करें, क्योंकि नारियल पानी में वो सारे तत्व होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान आपके और आपके शिशु के लिए जरूरी है। इसके लिए आप रोजाना सुबह नारियल पानी जरूर पीएं। आप डॉक्टर के संपर्क में रहें, जो भी मेडिसिन देती है वो समय पर खाएं, समय पर चेकअप के लिए जाएं, कोई भी अपॉइंटमेंट को मिस नहीं करें। आपका शिशु जितना स्वस्थ होगा आपका शिशु उतना ही सुंदर, बुद्धिमान और गोरा होगा। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया है कि गोरा शिशु पैदा होने के लिए क्या करें, पर कुछ बातों का और ध्यान रखना है। आप अपने रहन सहन के स्तर को भी सुधारें, अपने
खान पान के स्तर को भी सुधारें, अच्छे से खाएं, समय पर खाएं, सही समय पर सोएं, योगा व्यायाम करें, खुश रहें। आप खुद देखेंगे आपका आने वाला शिशु जरूर गोरा पैदा होगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।